हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लेआउट्स। ओके, तो लेआउट एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे वेब डेवलपमेंट कोर्स के। और इस लेआउट को अगर आपने समझ लिया अच्छे से तो आप किसी भी तरह के वेब डिज़ाइन कर सकते हो, किसी भी तरह के वेब डिज़ाइन कर सकते हो। ओके, तो इसके बाद जो आज लेक्चर आएंगे उसमें मैं मेनली लेआउट के बारे में बात करूँगा। मैं लेआउट लिखूंगा कि लेआउट का लेक्चर है, इसका प्रॉपर्टी ये है, लेआउट प्रॉपर्टी पोजिशन मैक्स विद डिस्प्ले। जब मैं लेआउट का लेक्चर डालूंगा उस पर लिखूंगा कि लेआउट का लेक्चर। ओके, तो आप इसको लेआउट की तरह कंसिडर करना। एक लेआउट में क्या क्या होता है, इसके हेडर होता है, एक नेम बार होता है, यहाँ पे विट, यहाँ पे एक हेडर है, एक नेम बार यहाँ पे होता है, फिर एक लेफ्ट साइड बार होता है, एक राइट साइड बार होता है, बीच में कंटेंट होता है और एक फुटर होता है। बहुत सारे जो वेब एप्लीकेशन होते हैं वहाँ पे, यहाँ पे एड्स हो गया कहीं पे, यहाँ पे कंटेंट है, यहाँ पे एड्स है, तो वो सारे पैसे कमाने के सारे अच्छी अच्छी तरीका है। ओके, आप भी सीख जाओगे धीरे धीरे। ओके, चलिए सबसे पहला प्रॉपर्टी लेआउट का देखते हैं, डिस्प्ले एंड मैक्स विड्थ। तो हम डिस्प्ले और मैक्स विड्थ क्यों पढ़ते हैं, तो सबसे पहले मैं इसका जवाब दे दूँ। तो डिस्प्ले इसलिए हम लोग पढ़ते हैं कि मान लीजिए कोई भी टैग लाइक डीप टैग, आप देखते हो कि जब भी आप डीप टैग का यूज करते हो तो उसके बाद डीप, मान लीजिए आपने यहाँ पे यूज किया राइट, और इसके बाद इसमें लिख दिया दिस इज डीप टैग। ओके, मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस इज डीप टैग, लेकिन यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया राइट। ओके, और फिर जब मैं यहाँ पे लिखूंगा डीप टैग, ओके, यहाँ पे लिखूंगा डीप, डीप है वो, समझ रहे ना भाई, डीप लिखूंगा, यहाँ पे कंटेंट लिखूंगा, तो ये जो है ये नेक्स्ट लाइन में कंटेंट आएगा राइट। बट डिस्प्ले की प्रॉपर्टी की मदद से हम इस दोनों कंटेंट का एक ही लाइन में प्रिंट कर सकते हैं राइट। और आप, मैं एग्जांपल देता हूँ, ये तो हो गया ब्लॉक टैग का या ब्लॉक एलिमेंट्स का। तो ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग इनलाइन में बदल सकते हैं और इनलाइन एलिमेंट को ब्लॉक में बदल सकते हैं। उसी का डिस्प्ले एक क्या कहते हैं प्रोवाइड करता है उसको करने में, यानी कि इनलाइन को ब्लॉक में, ब्लॉक को इनलाइन। आपने देखा होगा लाइक स्पैन हो गया, एक इनलाइन टैग है, स्पैन हो गया, आपका ईमेल हो गया, आपका लिंक हो गया, मैंने कि एंकर टैग, ये सारे क्या है, आप एग्जांपल है इनलाइन का। बट हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनलाइन से ब्लॉक और ब्लॉक से इनलाइन। तो चलिए हम लोग करके देखते हैं। सबसे पहले मैं वी एस कोड में जाऊंगा और यहाँ पे एक लेक्चर 18.html डाल दूंगा, लेक्चर 18.html, और मैं यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लूंगा। ओके, मैं थोड़ा इसको इधर कर देता हूँ। ओके, तो हम लोग लेआउट स्टार्ट करने वाले, मैं यहाँ पे भी लेआउट लिख देता हूँ, लेआउट डोले से सेव कर लेता हूँ। मुझे क्या करना है कि सबसे पहले तो मुझे आपको मैं ये दिखाता हूँ कि आप ब्लॉक से इनलाइन कैसे कन्वर्ट करते हैं। फिर तो मैं यहाँ डीप लगाऊंगा और मैं यहाँ लिखूँगा दिस इज, ओके, दिस इज अ डीप ब्लॉक एलिमेंट एलिमेंट्स। ओके ओके, मैं एक और ले लेता हूँ डीप, दिस इज अनदर डीप ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, मैं इसे आपको लाइव सर्विस दिखाता हूँ, तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट लाइन पर आया। बट जब मैं इसका स्टाइल लगा कर दिखाऊंगा आपको, मैं यहाँ पे सबसे पहले स्टाइल, ओके, स्टाइल टैग लगाऊंगा, और जब मैं डीप, ओके वन मिनट, डीप, और जब मैं इसका डिस्प्ले डिस्प्ले इनलाइन करूंगा तो आप देखोगे कि ये एक ही लाइन में प्रिंट होगा। ओके, आप दिख रहा है एक लाइन में प्रिंट होते हुए, ये फॉन्ट साइज बड़ा हो गया था इसलिए नहीं दिख रहा था राइट, तो ये एक ही लाइन में आ रहा है। बट जब मैं इसे हटा दूंगा यहाँ पे इसको, तो आप यहाँ देखोगे ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप में, तो मैं इसे कितना भी छोटा कर दूँ ना ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप में रहेगा। ओके, ये प्रॉपर्टी होता है ब्लॉक का। ओके, मैं इसको यहीं पे रहने देता हूँ। अब हम लोग देखते हैं कि क्या हम लोग इनलाइन को ब्लॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं।
मैं यहाँ पे स्पैन लिख देता हूँ, फिर यहाँ पे दिस इज अ इनलाइन टैग, फिर यहाँ पे स्पैन लिखूंगा मैं, फिर लिख देता हूँ दिस इज अनदर इनलाइन स्पैन स्पैन ओके टैग ओके। आप देखोगे यहाँ पे आके तो ये एक ही लाइन में प्रिंट हो रहा है ओके। तो मैं मुझे कैसे करना होगा इसे, तो मैं क्या करूँगा, इसको सिंपल सा यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे स्पैन लिखूंगा ओके। मैं यहाँ पे स्मॉल में कर देता हूँ स्पैन, और डिस्प्ले मुझे क्या करना है, ब्लॉक दिखाना है, तो यहाँ पे ब्लॉक सिंपल ले दूंगा ओके। तो आप देखो यहाँ पे ये जो इनलाइन वाले हैं ये अलग अलग लाइन में आ गए हैं, सॉरी स्पैन वाले, मगर ये क्या है, इनलाइन है, बट हम इसका प्रॉपर्टी चेंज कर दिए बाय यूजिंग डिस्प्ले प्रॉपर्टी ओके। तो हम लोगों ने इसका प्रॉपर्टी चेंज किया, क्या हम इसको हाइड कर सकते हैं क्या। अब यहाँ पे दो प्रॉपर्टी आता है, एक हाइडिंग करने का और एक होता है आपका उसको विजिबिलिटी को बंद करने का। तो विजिबिलिटी और हाइडिंग में क्या फर्क है, चलिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। तो आपने शायद ये अच्छे से समझ लिया, तो मैं यहाँ पे इस पेन वाले में दिखाता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डिस्प्ले नन। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे आपको ऐसा प्रतीक दिखाया कुछ है ही नहीं ओके। चाहे मैं इसको इसमें लगा कर दिखाता हूँ तब तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं यहाँ से हटाता हूँ इसको और यहाँ पे कंट्रोल भी करता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ कुछ है ही नहीं, यहाँ से रिमूव कर दिया इसको। बट जब मैं यहाँ पे लगाऊंगा विजिबिलिटी हिडन, तो आप देखोगे यहाँ पे है इसका जगह भी ऑक्यूपाइज है बट ये दिख नहीं रहा। हम लोग इसका यूज जब सीएसएस करेंगे तो वहाँ पर पूरी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि ये कैसे आएगा। जब कोई भी यहाँ पे यूजर आएगा तो मैं यहाँ पे बटन दे दूंगा, जब उस बटन पे क्लिक करेगा तभी वो एलिमेंट उस कंटेंट को देख पाए। इन सारी चीजों को हम लोग आगे देखने वाले हैं ओके। इसके बाद हमारा टॉपिक क्या है एक ओके, मैं यहाँ पर पीपीटी में जाता हूँ और देखता हूँ क्या मैक्स विथ। तो मैक्स क्या करता है, सिंपल सा रिस्पॉन्सिव प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। अब इससे क्या मेरा मतलब ओके, इससे मेरा मतलब क्या है आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जाऊँगा और मैं क्या करता हूँ, दो तीन हेडिंग ले लेता हूँ राइट। मैं एक ही हेडिंग लेता हूँ, मैं पैराग्राफ ले लेता हूँ, वो छोड़ो। दिस इज मैं यहाँ पे लेता हूँ दिस इज अ सॉरी पैराग्राफ अग्राफ टैग ओके। मैं इसका थोड़ा स्टाइलिंग कर देता हूँ, बॉर्डर वॉर्डर लगा देता हूँ, यहाँ पे पी लिखूंगा और इसमें विड्थ दे देता हूँ, इसका विड्थ देता हूँ 100% दे देता हूँ क्या, इसका मैं दे देता हूँ 700 पिक्सेल, और मैं इसका मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन दे देता हूँ एटो, और मैं इसका बॉर्डर भी दे देता हूँ शॉर्ट हैंड बॉर्डर का 4 पिक्सेल, और डॉटेड रहेगा एक्स्ट्रा सॉलिड कर देता हूँ सॉलिड, इसका कलर मैं कर देता हूँ ब्लैक मरून रेड, ये विजिबिलिटी अच्छा दिखे देखो। तो आप यहाँ पर आकर देखो इसका, मैंने यहाँ पर सबको दे दिया। तो ये क्या कर रहा है कि अपने जब मैं इसका हाइट बढ़ा रहा हूँ, कोई भी स्क्रीन इतना बड़ा रहेगा तो मुझे दिखने के लिए इसको इधर जाना पड़ेगा, देख रहे हो ना। बट जब यहाँ पे मैं मैक्स विथ लगा दूंगा, मैक्स विथ लगा दूंगा, तो आप देखोगे मैक्सिमम विथ जितना है, बट जैसे मैं इसको कम करूंगा या ज्यादा करूंगा तो ये डिस्प्ले के अनुसार अपना रूप बदल देगा राइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना डिफरेंसेस कैसा है ओके। इसका मैक्सिमम मिनिमम लेकिन रिस्पॉन्सिव देता आप इतना समझना ओके ओके। आप इसको और भी बढ़ा सकते हो, तो आप इसको इतना देखो यहाँ पे एक क्या कहते हैं इसको सजेशन दिया है, एड ऑल टू कंटेंट अ कंटेंट विद टू अ सर्टेन रेंथ राइट ओके ओके। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
और वीडियो में अगर आपने कुछ सीखा हो तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबाना। और कोई भी अगर क्यूरी हो तो कमेंट कर सकते हो आसानी से। ओके, इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।